है, फिर वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे दर्द बढ़ गए हैं, फिर वो कहता है अभी कुछ नहीं किया जा सकता, एक साल बाद देखेंगे। इंजेक्शन होता है 1,80,000-82,000 रुपए का, और टोटल मिला के वो उस इंजेक्शन को लगाने के लिए एक रात उसको एडमिट करता है और अगले दिन दोपहर को छोड़ देता है, और टोटल मिला के 60,000 रुपये अपने ले लेता है हॉस्पिटल में रखने के और इंजेक्शन लगाने। है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? और इस तरह से 7.5 लाख रुपए के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं एक बार। इसके अलावा वो बहन जाती है, हर जगह जाती है, वो पतंजलि भी जाती है, बड़ी महंगी महंगी दवाइयां खाती है, लेकिन उसको कोई आराम नहीं लगता। मैं गठिया भाई वालों की एक गारंटी लेता हूं कि बेशक उनके हाथ पैर को सीधा ना कर सकूं, लेकिन उनको दर्द नहीं रहेंगे जिस दर्द के कारण वे रोजाना दवाइयां खा रही है। और अगर दर्द नहीं रहेंगे तो वे अपने बहुत सारे काम कर लेती हैं। तुमने किसी ने सविता की मम्मी को देखा है, हॉकी टीम की जो कैप्टन है, जो मेरे पास आती है? आपको पता है उनको दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गए? आपको पता है गठिया वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आए, जिनको दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गए? ये दर्द ख़त्म होना ही बहुत बड़ी बात है। और ये हाथ पैर जो मुड़ते हैं ना, यहाँ आके आप सही होने लगते हो, लेकिन आपको धीरे धीरे आना ही पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर जिंदगी भर दवाई खिला रहा है, आप मेरे पास 2-4 साल नहीं आ सकते उत्तरोत्तर, जबकि आपको पता है यहाँ ठीक होते जा रहे हो, डॉक्टर का पता है कि डॉक्टर के जा रहे हो तो उल्टा बीमार होते जा रहे हो, है कि नहीं? कितने लोगों ने स्किन एलर्जी की दवाई ली है मेरे को बताना जरा, स्किन एलर्जी की दवाई कितने लोगों ने ली? आपको पता है अगर आपको पितरों के कारण स्किन एलर्जी है, और पितरों के कारण बहुत भारी मात्रा में स्किन एलर्जी होती है, तो आपको पता है उसमें आपको लाभ मिलने लगता है, पहले ही दिन से लाभ मिलने लगता है। सारी दुनिया नहीं जानती कि दीपदान से क्या होता है। मैं तुम्हारे दीपदान कराऊं एक साथ, तुम्हारे पितरों को शांति मिल जाएगी, उनके अंश निकल निकल के बाहर आने लग जाएंगे, वो शांत होने लग जाएंगे। और आप जब दीपदान करते हो आपको खुजली बढ़ने लगती है, लेकिन मेरे करवाने से साथ में आपकी खुजली उत्तरोत्तर कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दो रोग तो ऐसे हैं जो मनु भैया के पास आके छू मंतर से होते हैं। अभी घुटनों के दर्द निकालने लग रहे हैं, आप देख रहे हो, एक बार में ये निकलते नहीं है, ये पितरों ने आपके पैरों में जगह बुला रखी है। कई बार कई महिलाओं के मैं जब घुटनों के दर्द निकालता हूँ तो एकदम से चीज उनके ऊपर आ जाती है, तब पता चलता है ये तत्व यहाँ बैठा था घुटनों में। देखिए किसी ने ऐसी वीडियो, एक बहन जी आ रही है पीछे, किरण कुमारी तो यही होगी, किरण कुमारी कहाँ? ऐसे ही है, जब आपको दर्द पे हाथ लगाया जाता है कोई चीज ऊपर आके खेलने लगती है, ऐसे करती रहती है, तो वो कट गई छोटी होने लगी। जब कट गई छोटी होने लगी, डॉक्टरों के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो आपको ठीक कर देंगे, आए ना समझ में, लास्ट में ये कह देंगे देखी जाएगी भाई जो कुछ हो गया, भाई आपका ऑपरेशन कर दिया, आपको घर भेज दिया घुटनों का, अब आप चले ना चले डॉक्टर नहीं बताएगा, चल पड़े भगवान की महिमा, नहीं चल पड़े तो भी भगवान की, लास्ट में क्या कह देना जी मैंने तो कर दिया। आप किसी को ऐसे भक्त को दिखा लो या भगवान के भरोसे हो जाओ या भाई भगवान बचा लेगा, लास्ट में यही कह देते हैं, डॉक्टर की नहीं कह देते हैं। तो भगवान पहले ले लो अपनी जिंदगी में, उस भगवान को पहले ही ले लो, पहले ही आने दो उस भगवान को, बाद में क्यों आने देते हो? जब डॉक्टर कह देगा तब आने दोगे कि भाई अब मेरे से कुछ नहीं होगा? फोड़े फुंसी खाज खुजली जो जा ही नहीं रहे हैं डॉक्टरों से, आप दवाई खा रहे हैं बहुत लंबे समय से, अरसे से, ठीक है भाई आ जाओ मेरे पास, अभी तो तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं ही बूढ़ा होकर मर जाऊंगा तो कोई ना करे, किसी को ना पता है समस्या है क्या, क्यों अड़ी हुई है तुम्हारे घर, ठीक है? ये पितर है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलते आ रहे हैं, मर रहे हैं गिर रहे हैं, और वो आपके ही घर में रह रहे हैं, आपके ही कुल में रह रहे हैं, आपके ही कुल को परेशान, कुल में रहने का भी एक कारण है, हम रखते हैं, जो हमारा मर गिर जाता है या तो उसकी मूर्ति बना देते हैं, या उसको पूजने लगते हैं, या उसकी मढ़ी बना के दूध चढ़ाने लगते हैं, ठीक है, उसका ऊपर का आकर्षण रहता है, नहीं नीचे का आकर्षण रहता है, ठीक है? कितने लोग भगवान को इस तरह पूछते हैं कि संसार मेरे लिए नदारद है, ठीक है मेरे काम चल रहे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है मेरे बच्चे पल रहे हैं, ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मूल रूप से भगवान मेरे लिए, मैं भगवान का हूँ, ऐसा कौन आदमी है जो भगवान के बिना नहीं रहता? हाथ जोड़ हाथ खड़े करना जरा, जिनको भगवान ही प्यारे हैं, मूलतः गृहस्थी प्यारी नहीं, संसार प्यारा काम है, कितने सारे भगत हो गए हैं। ऐसा बताओ कौन आदमी जिसने भगवान को आमने सामने छुआ है, बोलो, इसके सामने देवता प्रकट हो गया, उसका इस प्रकट हो गया, छुआ है, बोलो, यहाँ पे बोरी बोरी एक बहन
बताइए दर्शन, बताइए खड़े होकर दर्शन बताइए, ऐसे छुआ है। पहले तो मुझे शनिदेव महाराज के दर्शन, फिर उसके बाद सारे देवी देवता जो भी यहाँ पे लगे हो सब धीरे धीरे मुझे दिखाई दे रहे, शेरों वाली है ये कालका जी मंदिर वाला, और सांप भी दिखाई देते हैं, भगवान शिव के भी दर्शन होते हैं, मतलब तो जितने भी सारे लगे हुए हैं, और यहाँ पे वो मोमन वाला लगा हुआ है ना वो भी मुझे दिखाई देते, स्वप्न वत दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई? नहीं, जब मैं मंत्र पढ़ती हूँ मुझे सबसे पहले वही दिखाई, वो तो तरंगे आती है, तरंगों के स्वरूप बनते हैं, आकार बनते हैं उसे उसकी देवता की। ये बात तो ठीक है लेकिन ये देव दर्शन नहीं हुआ है आपको अभी, बात तो ठीक है। और बताइए, और एक बहन की बताइए क्या है दर्शन का लाभ आपको, दर्शन बताइए, दर्शन कैसे हुए? और कौन थे इधर? ये आमने सामने के दर्शन कहाँ हुए आपका, क्या है? ऐसे तो सभी को दिखाई देते हैं। पहली बार में ही वो बंदर आया और बाद में मनु भैया आया, मनु भैया वो ठाकुर जी है ना छोटा वाला, मेरी सेवा है ठाकुर जी, वो लेके खड़े रहे थे बाला जी महाराज जी का, जैसे सब रूप मुझे दिखा इतने तक यहाँ पर, और घोटना पूरा दिखा था, वो विशाल रूप था उनका, पर फेस तक नहीं जा पाई मैं यहाँ तक बस। ये भी बहुत नहीं, ये आमने सामने ऐसे दिखा जैसे मानव को मानव, घर के अंदर जैसे खड़ी हो बाहर वो छत पे ऐसे दिखाई दे, लेकिन मानव को मानव जैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है? नहीं नहीं, बस वो विषाद ऊपर था उनका, वो भी बहुत अच्छा दर्शन। मैं काफी टाइम बीमार चल रही थी, तो उस दौरान मेरा जो है गुड़गांव जाना हुआ, और उसके बाद आकर के मैं और ज्यादा तबीयत खराब हो गई मेरी। उसके हम लोग हरियाणा गए, सतपाल गुरु जी थे वो खाटू श्याम जी की पूजा करते थे, तो मैं वहां पर गई, तो मेरे को जैसे घर में रात को सोते से घर में आंखें चलकर आती थी, घर के अंदर बड़ी बड़ी आंखें थी होती थी और बड़ी बड़ी पलकें होती थी, तो मैंने उनसे बोला, मैं क्या मेरे घर में ये आंखें किस चीज़ की दिखाई देती है? तब उन्होंने कहा कि आपको कैसे दिखाई देती है, मैं जगी हुई होती हूँ, खुली आंखों से दिखाई देती हैं। जब मुझे पता चला कि वो आंखें जो थी ना वो माता रानी की थी, और मैं उन्हें ना साक्षात देखती थी, तो जब मुझे पता चला कि मुझे उनके दर्शन होते हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव, सभी को जय शनिदेव। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आंखें चलकर आती थी भैया, वो माता रानी की आंखें साक्षात दर्शन होता। और किसी के कोई दर्शन? अभी भगवान वाले आमने सामने वाले तो हाथ खड़े सारे खड़े कर दिए। जब करके बैठते टाइम मुझे साबिर बाबा जो भी मैं काम बोलती हूँ वो मेरा काम भी सब पूरा होता है, काम भी पूरा होता है और दर्शन भी होता है। और फिर वो मुझे अभी एक 5-6 दिन के पहले आके बोले, वो ऐसे बैठते टाइम बोले कि चारों आ जाना उधर, बोल के इधर आ जाना, बोल के इधर आना, बोल के वो ऐसे राम में आ जाना, पिया ने उनको बोल के बुलाया, उनके भरोसे ही हमें आए और उनके भरोसे ही नहीं छोड़ के आगे ना कर्नाटक से आए, कोई आदमी भी साथ नहीं आया, अकेले आगे माने, ये अच्छी बात। और कौन बता रहा था? ये दिव्य स्वप्न है, अच्छी बात है, ये भी दर्शन है। लाइन में नहीं खड़ा होना, मैंने कुछ भी हो जाए यहाँ पे पैर रख दिया, सोनू दर्शन हो गए, तो हम पिछली तरफ से दर्शन करने के निकले, तो काफ़ी वो जाने नहीं जा दे रहे थे, कहते तो नहीं जाना भगा रहे थे सबको, मैं तो वहीं कॉर्नर पे खड़ी हो गई। इतने काफ़ी देर वेट करने के बाद जैसे सोच में पैसे तो देने नहीं है, कुछ मर्जी हो जाए दर्शन ना हो तो देखी जाएगी, या हो आगे तो ठीक है। इतने में ना काली कमली वाला भजन चला, वो भजन चलता ना मेरे अंदर पता नहीं वाइब्रेट होने लगी थी बोली मेरी। इतने में काले कपड़ों में एक आदमी आया, काला टिक्का काली चप्पल पहन रखी, रंग भी सांवला उसका, वो आया कहते आपने दर्शन करो आप, मैं तो वो जाने नहीं दे रहे, कहते करो दर्शन आप, कुछ नहीं होता, मैं 26 साल से यही दर्शन कर रहा हूँ, मैं जाने तो दे नहीं रहे, कहते अब जाओ, मैं खड़ा हूँ आप जाओ। हम गए आराम से अंदर चले गए, दर्शन किए, जब मैंने दर्शन किए यहाँ पर आँखें बंद करके, थोड़ी देर मेरे को लगा कि मेरी उंगली उंगली से उंगली टच हुई है, तो फिर मैंने मन में आया भी जो दिखे मेरे को बाबा थे काली कमली वाले, काली कमली वाले की जय, खाटू नरेश की जय, तीन बाण धारी की जय, जय और जय जय
और कौन बता रहा है वंदे मातरम? ये अच्छे दर्शन है, लेकिन क्या ये भगवत दर्शन में आते हैं? क्या इतनी पिपाशा जगी है? क्या इतनी पिपाशा हुई कि वो दर्शन दे गए वो आपको? ऐसे बोलो, है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत, तुलसीदास ही चंदन घिस रहे हैं तिलक लगाने के लिए, लेकिन रघुवीर आए, भगवान आए राम और उन्हीं को टीका लगा, है ना। ये बात तुलसीदास जी नहीं होते तो कौन बताता आपको? अगर वो ये दुआ नहीं लिखते ये कौन बताता है कि नहीं? तो भक्त को तो आभास होगा ना, आज मुझे दर्शन हुए। जिसको दर्शन देते हैं उसको दर्शन का पता तो चलता है। मूलतः दर्शन जब होते हैं तब आप निद्रा में नहीं होते हैं। निद्रा आपको होती है, आंखें बंद होती हैं, आपकी आंखें वो खुलने नहीं देता, तब आपके यहाँ आज्ञा चक्र में प्रकट होता है। और आंखें भी खुलेंगी तो उसकी मर्जी से खुलेंगी, अगर वो आपको सीधे दर्शन दे रहा है तो, यानी कि स्थूल रूप में दर्शन दे रहा है, यानी कि छूने के रूप में दर्शन दे रहा है। आए ना समझ में? तो फिर छुलाता कैसे है? आपकी शक्ति काम नहीं करती, आपकी कोई शक्ति काम नहीं। ठीक है, जैसे मनु भैया का एक हाथ उठा पहले, फिर दूसरा हाथ उठा और दोनों हाथ यूं जुड़ गए। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या कराना चाह रहे हैं, लेकिन जो कराना चाह रहे हैं वो तो पता चल गया। क्योंकि जब हाथ कहीं गए, रखे गए, तो पता चला वो भगवान के चरण कमल है। लेकिन ये चरण ही दर्शन है स्थूल रूप से, तो भगवान को छू लिया आज, क्या कर लिया? छू लिया, तो हृदय गदगद हो गया, है ना, तो पूजा सफल होगी। जब भगवान के इस तरह के दर्शन होने लगते हैं तो पता है फिर क्या होता है? संसार में मन नहीं रमता। ठीक है, तभी एक आदमी इतने लंबे समय तक साधना कर पाता है। जैसे जैसे मान लिया मैंने 40 दिन की साधना की, फिर भगवत दर्शन हुए, तो फिर अगले 40 दिन की साधना की, तब फिर भगवत दर्शन हुए, फिर अगले 40 दिन की साधना की, फिर भगवत दर्शन हुए, तो फिर वो अलग अलग दर्शन होते हैं, एक जैसे दर्शन कभी नहीं होते। अब भगवान की मर्जी है, कभी वो कोई आकार दिखाए, कभी कोई आकार दिखाए, कभी आज्ञा चक्र में ही दिखाई दे और कभी स्थूल रूप से बाहर आ जाए, कभी आपसे बात करे, कभी पक्षी बन जाए, कभी कुछ बन जाए, तो आपको पता चलेगा हर बार भगवान के आने का। क्योंकि वो लीला थोड़ी देर की नहीं होती है, वो क्षण भर की नहीं होती है, वो होती ज़्यादा समय के लिए है, लेकिन आपको उस क्षण का पता ही नहीं चलता है कि वो जीवन का क्षण आपका कैसा चला गया। लेकिन अभी चूंकि दर्शन हुए हैं तो शरीर के रोमांचित होता है बार बार याद करके उसको, तो बहुत लंबे समय तक रोमांचित होता रहता है। अगर उसी वाक्य को मैं आज भी याद करूं और उसी सब दृश्य को याद करूं मन से बैठ के, तो वो बार बार रोमांच हो गई होगा। बताने से आप लोगों को रोमांच होगा, भगवान ऐसे दर्शन देते हैं तो वो रोमांचकारी दृश्य होते हैं ये, आए ना। तो भगवान आज्ञा चक्र में दर्शन देते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं और फिर स्थूल रूप से आ जाते हैं। ये तीन प्रकार के ही दर्शन होते हैं, आया समझ में? और जो नाद शरीर में चलता है वो आपको स्थिरता प्रदान करता है, जिसको राधा स्वामी वाले सुनाते हैं। राधा स्वामी क्या सुनाते हैं बताइए? कौन कौन गया राधा स्वामी के सत्संग में? कौन जाता है? क्या कहते हैं वो? क्या सुनना चाहिए? नाद नहीं सुनना चाहिए, कान से, दाहिने कान से भजन सुमरण करोगे तो उस तरफ लगोगे ना, जो आपको मंत्र दिया है वो सुनोगे ना तो नाद उत्पन्न होगा। नाद की तो परिभाषा बताते हैं वे सारी, ओमकार की, ओमकार के ध्यान की, बिंदु की, नाद की, ओमकार ध्वनि की, यही तो बताते हैं। दाहिने कान से सुनो, तब दाहिने कान से सुनते सुनते प्रॉपर रूप से आपके मन के जो विकार हैं, मन में जो जन्मों जन्मों के वे भरे हुए हैं, वो निकल जाएंगे। आपको ऐसा किसको हुआ है कि जिंदगी में एक समय ऐसा आया कि सपने ही सपने आते चले गए? बताइए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक बार स्वप्न दर्शन खुल जाता है, हर रोज लाखों लाखों सपने आते हैं, हर रोज रात को पूरी रात रात भर सपने देखते हैं और पता ही नहीं चलता दिन में कौन कौन से सपने आए थे, बस ये रहता है कि पूरी रात सपनों में रहते हैं। तो वे मन के भाव खुल रहे होते हैं, मन ने लाखों जन्म लिए इस शरीर के साथ, कभी किसी शरीर में गया, कभी किसी में शरीर में गया। भगवान ही कहते हैं अर्जुन को, भगवान इस तरह से कहते हैं कि अर्जुन के कितने मानव के जन्म हुए, इस तरह से कहते हैं। इसका मतलब हमारे मानव के जन्म भी बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है। ठीक, और पता नहीं कितने कितने युगों से होते हैं, हम यूं ही आते रहते हैं, यूं ही सृष्टि चलती रहती है, यूं ही भगवान का खेल चलता रहता है, यूं ही उसके संकल्प चलते रहते हैं, हम यूं ही डोलते रहते हैं, कभी सुख पाते हैं, कभी दुख पाते हैं, और उन सुख दुखों में हम उसको याद करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और उसकी तरंगे प्राप्त।
करते। बोलो शंकर भगवान की जय। अभी मैं हवन करूंगा, साथ में दर्द वाले लोगों को